इतनी गर्मी में तो ठंडा ही है। ला भाई देख ले। देखिए भाई तुरंत ही फोटो निकल रही है। बोलू ना देखिए भाई तपस्या ले लिया। गंगा माँ से पैसे चांदी सोना निकाल रहे हैं। आनंद ही आनंद हो रहा है हिमाचल वाली के भाई। आजो आजो गाइस आप लोग फोटो ले लो एक। कितने की? तो गाइस आप लोगों को बता ही देते हैं यार, अब इतना भी क्या छुपाना आप लोगों से कि हम कहाँ गए हुए हैं। वैसे अभी हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही गया, अभी हम अपने रूम से आए हुए हैं। तो हम गए हैं ऋषिकेश। तो भाई हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, जो आप लोगों को भी दिखाएंगे, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। आजो गाइस और ये भैया ऑटो में, क्योंकि हम अपनी कार ना पार्किंग में लगा देंगे। कितने किलो का भाई ये? 20 किलो 15 किलो। ऋषिकेश से तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम ऋषिकेश आई हूँ अपनी जिंदगी में। 23 साल की हो गई, लेकिन आज मैं फर्स्ट पहली बार ऋषिकेश आई, इतनी बड़ी हो गई। तो यहाँ पीछे है हमारे लक्ष्मण झूला और यहाँ पे हमारे गंगा मैया से सुबह सुबह दर्शन हो गए। और कनिष्क की हालत है तो यार मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए कैमरामैन। तो गाइज आप लोग भी जरूर आइए यार, इनकी लड़ाई फंस गई है नीचे गाय और कुत्ते की। यहाँ युद्ध भी चलता है भाई। तो भाई हम पहुँच गए यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं गंगा मैया के दर्शन सुबह सुबह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइज आप लोग फोटो ले लो एक। ये राम झूले का दृश्य है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। ले जाती हूँ इसको, ले जाओ क्लिक्स को। इधर आ जाओ बेटा, प्लीज करो, पापा ही करेगा सारे काम यहाँ पे। खोल लो आप, आ जाओ। तो भाई हम चलते हैं यहाँ पे। ला भाई हिमाचल वाली मर्द नु बोली नु मैं तो नहाऊंगी नु कह वहां ना नहाना को नहीं, ठंडा पानी है बहुत ज्यादा। या नु बोली नु कह ना मन तो नहाना भाई, पूरे मजे है रे भाई। आज ऋषिकेश का बहुत अच्छा लगा भाई, साथ में हिमाचल वाली है और प्रिया के मम्मी पापा भी आ रहे हैं, जो कि रास्ते में कुछ काम करने के लिए रुक गए। हम यहाँ पे राम झूले के पास आ गए, पीछे राम झूला है जो, और अभी थोड़ा आगे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे भाई। हिमाचल वाली देखिए कितनी मस्ती कर लग रही यार, नूना राम जो लार वाह क्या नजारे उत्तराखंड के। आनंद ही आनंद हो रहा हिमाचल वाली के भाई, जबरदस्त आ रहा। अरे हिमाचल वाली था नहीं भाई, बीच गंगा में तैर कर दिखावेगी वहां जाएगी, उस निकाले जाएगी तैरते हुए। और क्या देख ले भाई, एक डुबकी लगाएगी और पानी इतना ठंडा जैसे कि फ्रिज में नहीं होता, उससे भी ज्यादा चिल। क्या करा है प्रिया? हाँ फोन का क्या करना है? क्या करना फोन का? वीडियो कॉल करो। कहाँ पे? फोन ही उठाएगी और मेरे ख्याल से बिजी होगी। और वो खड़े हुए गोलू इकल्ला अपनी मासी के साथ वहाँ पत्थर पे। चल जा भाग के जा। नहीं फोन नहीं गिरने का, फोन क्यों गिरेगा? तेज आवाज आ रही भाई, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही मेरे ख्याल से। भाई ऋषिकेश की गलियों में खा रहे हैं। गलियों नहीं है ऋषिकेश की, ऋषिकेश की मार्केट है ये। मार्केट है, चलो कुछ नहीं है भाई, बहुत थक गया, बहुत दूर से चलते चलते आ गए। और वो हवाई गंगा जी साइड में यार राफ्टिंग भी कर सकते हैं आप। हमारे देखिए हमारा खाना आ गया, चारा आ गया। इतने इतने चाउमीन है पूरी भर भर का, हमने सोचा भाई थोड़ी थोड़ी मिलेगी भैंसों के लिए, अपने साइज कम। जैसी जितनी मोटी है ना उतना ही मोटा भटूरा भी है। टेस्ट करके बताते हैं क्यों तेरे घर का खाना आया। ठीक है ये देखना भाई, गंगा माँ से पैसे चांदी सोना निकाल रहे हैं और निकाल के अपने मुंह में जमा कर रहे हैं भाई। देख मुंह कितना भर रहे हैं अपने, जो गाल है ना वो पूरे भर रहे हैं पैसों से। निकालते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि जेब जूब तो है नहीं है इनके पास अभी, जो गंगा में पड़े हुए हैं। अब पैसे निकालेंगे देखना मुंह में डाल लेंगे सारे के सारे। वो देखो वो डाल लिया उसने। देखिए भाई तुरंत ही फोटो निकल रही है।
अंकल जी ने फोटो बनाई और तुरंत ही फोटो निकल गई यहाँ से। बढ़िया बन गई, इसमें डाल दी। क्या बोलो, लावा हिमाचल वाली आ गई। आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी हमारी आवाज़ सुनने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। तो सामने हमारे भोलेनाथ जी, भोलेनाथ यूट्यूब पे अच्छे व्यू बड़ी मस्त हो रही भाई हिमाचल वाली। यार इतनी खुश हूँ मैं। अब पता वो लड़का ना मुँह पैसे निकाल के मुँह के अंदर डाल रहा था, इतने मुँह से पैसे निकाले वो चले गए। तो भाई आप लोगों को पता है जब बाढ़ आई थी तो ये मूर्तियाँ ऐसे ऊपर गई थी, इसके सर तक चला गया था पानी। मैं तो आज पहली बार, मेरे को मतलब मैंने वीडियो में देखी थी, पर मेरे को ये नहीं पता कि इससे भी ज़्यादा ऊंची है इतनी। ला भाई हिमाचल वाली चलना है गिरी, ये पता नहीं कौन सा झूला, ये है जानकी झूला। चल 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 जानकी जानकी। चल 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 ला भाई, दोपहर के बज चुके हैं 12। हिमाचल वाली देख भाई नदी में जो अपनी गंगा कपड़े बदल लिए हैं, या गंगा से आ रही है, अरे हिमाचल वाली डुबकी लगाने के लिए जा रही है, अब आराम से जाना प्रियंद, और थोड़ी सी अंदर जाके डुबकी लगा ठंडा ठंडा पानी है क्या ठंडा के गर्म है? नहीं है ठंडा, नहीं गर्म है, इतनी गर्मी में तो ठंडा ही है। चलो मैं नहीं रहा अपना बेटा, पांडा उठा बेटा मुंह के। ओल्लू ने देखिए भाई तपस्या ले ली है, यू बोलिया भाई गंगा किनारे में तपस्या करूंगा। आया देखो, और ये गंगा या हिमाचल वाली है भाई, जो कि बड़ी मस्ती कर रही है हिमाचल वाली। ला भाई देख ले पूरी मस्ती कर रही भाई हिमाचल वाली, हिमाचल वाली ने लागी भाई भूख। तो नेशनल हाईवे बनना चाह रहे थे ये ऋषिकेश वाला, तो भाई होटल दी गया अपना एक, तो क्योंकि हिमाचल वाली पे रुकिया तो जानता नहीं भाई, भूख ज्यादा लगा इसने। यार मेरा मंगलसूत्र हो गया। चलो कोई नहीं यार, बाद में देखना इसको, रहन दे यार गाड़ी में रख दे यार बाबू। चल फिर वहाँ पे बैठा कर ले। गाइस तो यहाँ पे देखिए हम भाई शाम के टाइम, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा मैं कहाँ घूम रही हूँ आजकल, तो ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी तो जब मैं ब्लॉग स्टार्टिंग करूंगी ना तो ये बताऊंगी मैं कहाँ हूँ इस टाइम। अभी मैं बस सामान लिया जा रहे हैं हम, मन तो यहाँ ले भाई ये 10 रुपये इसमें डाल दो फिर। हाँ मैंने पैसे दे रखे इसके, कोई बात नहीं। और या भाई वहाँ धर्मशाला जहाँ हम रुके थे, क्योंकि हरिद्वार में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई ऋषिकेश में कि हमने रहने के लिए रूम नहीं मिला, और ये बहुत बड़ी बहुत पुरानी जगह है जहाँ पे हम रुके थे। और वह आज की वीडियो आपने कैसी लगी हो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो।